मीनाक्षी शर्मा आप सभी का पल-पल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है आज है 31 दिसंबर 2019। आप सभी को पता है कि 2019 का लास्ट डे है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी 2019 की कि आई थिंक सो कि आप सभी का 2019 बहुत अच्छा गया होगा। मेरा खुद का बहुत अच्छा गया, बट कुछ अचीवमेंट्स होती है जो हम फुलफिल नहीं कर पाए। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं कुछ अचीवमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाई, तो अब मेरा ये एम रहेगा कि 2020 में आने वाला जो कल का नया साल है उसमें मैं वो सारे अचीवमेंट को फुलफिल कर सकूँ, अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हमारे साथ एक खास मेहमान आए हैं जिनका नाम है दीक्षा, और आज हम इनसे बात करेंगे नए साल के ऊपर कि नए साल के दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए, हमें ऐसे क्या कार्य करें जो हम अपने साथ साथ, हम तो ये है कि हम खुश रहेंगे बट हमारे साथ साथ जो और लोग हैं जो जरूरतमंद है हम उनके साथ ऐसे क्या कार्य करें, ऐसे क्या सोशल एक्टिविटीज करें जिनसे कि वो खुश हो सके, उन्हें पता चल सके कि नए साल के दिन हमें ऐसे क्या क्या काम करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ पल-पल में दीक्षा मैम का। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो आप? ठीक है। तो जैसे कि आप, मैंने आपको बताया 31 दिसंबर है, तो आज हम मैम से जानेंगे कि नए साल के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या यानी किस तरह से हम अपने साथ साथ लोगों को भी खुशियाँ दे सकते हैं। तो दीक्षा मैम हमें बताएं और हमारे दर्शकों को भी बताएं कि हम किस तरह से आने वाले 2020 में अपने साथ साथ अपने आने वाले लोग, अपने आने वाले कोई भी, उनको भी खुशी रह सके, उनको खुश दे सकते हैं, ऐसे हम कुछ ओपिनियन अपने हमारे साथ शेयर कीजिए। बेसिकली होता है कि 2019 में कुछ हमारी विशेज होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं जो कि हम उसे पूरा नहीं कर पाते। कुछ लोगों के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इतना नेगेटिव सोचते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं कि हम पास नहीं हुए, हम उस चीज़ को पा नहीं पाए, हासिल नहीं कर पाए। हमें उन लोगों को ऐसे पॉजिटिविटी, ऐसे मोटिवेट करना है कि वो 2020 जो कि आने वाला कल है उसमें हम उनको मोटिवेट करके उस चीज़ को वो अचीव कर सके। जैसे कि बहुत, अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं, अलग अलग टाइप के पर्सन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, हर किसी की जो थिंकिंग होती है एक जैसी नहीं होती, ऑल आर नॉट सेम। हाँ जी, हाँ। किसी में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किसी का इंटरेस्ट किस में है, किसी का किसी की IQ कितना है, मतलब कि हर किसी में चेंजेस दिखाई देते हैं। बेसिकली हम बात करते हैं कि जो कि जरूरतमंद लोग हैं, जो कि हम जैसे जैसे जीवन यापन कर रहे हैं वो भी उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। आपके बोलने का मतलब है कि जैसे नए साल में हम हैं जैसे, तो हम बोलते हैं जैसे लोग होते हैं ट्रिप पे जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमना, ट्रिपिंग करना, तो जरूरतमंद लोग होते हैं जिनको ये सब नहीं मिल पाता है, तो वो अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम क्या करें, जैसे हम ऐसा क्या करें कि वो भी हमारे साथ साथ नए साल को सेलिब्रेट करें। आपने बिल्कुल बात सही की है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कोई पार्टी अरेंज करता है, कोई किटी पार्टीज करता है, कोई न्यू प्लेस पर जाके, कोई मतलब कि हमारा जो न्यू फेस्टिवल है ना उसको ऐसा क्रिएट करते हैं कि हमें पूरा साल याद रहे। ऐसी कुछ क्रिएशन, ऐसे कुछ पर्सन, ऐसा कहना चाहिए कि जो जरूरतमंद लोग होते हैं जिनको की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, हम खुश रहे साथ साथ में जरूरतमंद लोग भी खुश रहे, उनको भी इन्वॉल्वमेंट करें। ज्यादातर मुझे एक बात देखने में आई है मैम, जैसे जरूरतमंद लोग होते हैं वो अपनी लाइफ से खुश नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें जो चाहिए हमें नीड्स आजकल चाहिए होती है, उनसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं रखते हैं, तो देखने में आता है लोग निराश हो जाते हैं, कुछ सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप उस बात से एग्री करते हो? जैसे मेरा मानना है कि जिंदगी का हर दिन हमें ऐसा जीना चाहिए, आखिरी दिन है ना, मतलब कल का क्या पता, कल हमारी अगली सुबह हो ना हो, इसीलिए मेरा मानना ये है कि जो हमारी जिंदगी का दिन है ना उसको एकदम फुल एंजॉय करके जियो। तो आप कुछ जैसे आपने क्या सोचा, आप अपना 2020 किस तरह से सेलिब्रेट करोगे, जैसे जरूरतमंद आप बात कर रहे हो वैसे आप कुछ करोगे या फिर आप लोगों को गाइड कर रहे हो, आप क्या चाहते हो कि 2020 में आने वाला जो आपका कल का डे है आप उसको जरूरतमंद लोगों के साथ करना चाहते हो सेलिब्रेट या नहीं? जितनी हम लोगों को एक ऐसी चीज है ना, हैप्पीनेस जो कि बिना किसी पैसों के खरीद नहीं सकते, मतलब वही चीज है कि हम उनको दे सकते हैं हम खुद भी और हमारे साथ भी है, मतलब उनको इतनी हैप्पीनेस दे कि एक हैप्पीनेस ही होती है कि अगर हम किसी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल ला दे वो हमें लाइफ टाइम के लिए याद रहता है और वो पर्सन हमें कितना याद करता है, मीन्स हमारी जो लाइफ होती है उसको हम किस तरह से हम स्पेंड कर रहे हैं उसके साथ, एक छोटा छोटा पल जो है वो यादगार पल। हाँ, मैं समझ पा रही हूँ। तो आपके बोलने का मतलब है कि हमें अपने साथ साथ जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करके, जब विंटर आ रहा है तो विंटर में बच्चों को ब्लैंकेट दे के, जरूरतमंद लोगों के खाना प्रोवाइड करवा के, इस तरह से हम अपने नए साल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात हमें पता लगी। तो मैं आप सभी से होप करती हूँ कि जो लोग हैं जो बड़ी बड़ी किटीज पार्टी करते हैं अच्छी बात है करो, बट हमें जरूरतमंद लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि सोसाइटी एक ऐसी चीज है जहाँ पे दोनों लोगों को बराबर में, हम दोनों को साथ में
होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जरूरतमंद है और एक जिनके पास सारी हमारे पास प्रोवाइड है वो हम ऐसा नहीं करेंगे कि उनको छोड़ देंगे, उनको साथ में लेके अगर हम सोसाइटी में चलेंगे तो सामाजिक अंतर्क्रिया हो सकेगी, इंटरेक्शन हो। जी जी, तो अब जैसे कि अब आपको पता है कल 1 जनवरी है 2020 है, तो मैं आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले विश करती हूँ, वी विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर मेरी और दीक्षा मैम की तरफ से। और मैं होप करती हूँ कि आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत बहुत खुशियां लाए, आपका परिवार, आप सारे खुश रहें। और सबसे बड़ी बात, कभी भी अपनी जिंदगी से निराश मत होइएगा। क्या पता जो आप चाह रहे हो वो कल, अगर आप सोच रहे हो कि हम कल के लिए नहीं जिएंगे, हम नहीं वो चीज अचीव कर पा रहे हैं, तो इतना सा बोलूंगी कि क्या पता जो चीज आप चाह रहे हो वो आपको कल मिल जाए। तो ज्यादा नेगेटिविटी अपने माइंड में ना रखते हुए मैं और दीक्षा मैम की तरफ से आप सभी को भी विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। बाय बाय।